तो आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो पूर्व वार्षिक परीक्षा हुई थी 2019-20 में क्लास हिंदी का जो पेपर, इस पेपर को इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम लाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक दिया हुआ है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर दिए गए मीरा की भक्ति कैसी थी, तो मीरा की भक्ति दाम्पत्य भाव की थी। इसमें मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, ओनली ओनली आपको यहाँ पर आप दे एक आइडिया लगा सकते हैं, आपका जो पेपर, पिछला पेपर आया था वो कैसा था और जो आने वाला पेपर वो किस प्रकार से बनेगा। तो आप इसके प्रकार देख सकते हैं, कुछ दिए हैं यहाँ पर, उसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दो। सही विकल्प ब्रजवासियों के व्यथित होने के का कारण था संयुक्त परिवार की नींव, असफलता, जिंदगी, कुंडलीय छंद और उसे प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी, वाक्य में अशुद्धि क्या है। तो इस प्रकार से आप ये बताना है। ठीक है दोस्तों, 70 शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। इसके बाद सही जोड़ियाँ हैं हमारी, सही जोड़ियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई मालती। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं और टिक भी लगा सकते हैं। आपको आंसर पता हो तो कमेंट में आप भी कर सकते हैं, जैसे और भी लोगों को पता चल जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी आंसर की बनाऊंगा तो आप वहां से देख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 एक वाक्य में आपको उत्तर देना था। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, रहीम ने विपता को भला क्यों कहा। इसके आत्मा में आया तो नौ का विहार कविता में किसकी तुलना चांदी के सांपों से की गई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाखों क्रोच कराए रहीम से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, यहाँ पर विश्वास की सांस कविता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र, इसके अथवा में आप देख सकते हैं 10वां है, तुलसीदास के अनुसार मानव मन की मूर्ता क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है अवतार का क्या अर्थ है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लें। दोहा, छंद की परिभाषा, उजगुल की परिभाषा, जो व्यक्ति इस चीज़ पर पहुंचना चाहते हैं उनमें कौन कौन से गुण होते हैं, डॉक्टर कलाम की जीवन के आधार समझाइए। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर लें। रस के कितने प्रकार होते हैं, भ्रांतिमान संदेह, अलंकार में अंतर लिखना है। और 19वां क्वेश्चन दिया था, पंक्ति का भाव पल्लवन करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, भक्ति काल का विभाजन प्रभाव चित्त द्वारा आपको समझाना है। रीति काल कितने भागों में बांटा है ये भी समझाना है। कहानी के तत्वों को नाम लिखते हुए किन्हीं दो कहानीकारों का नाम लिखना है। और आपको यहाँ पर सूरदास, सुमित्रानंद पंत की बिंदुओं पर आपको दो रचनाएं, भाव पक्ष और कला पक्ष लिखना है। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट, इधर 23वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 23वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर देखना है। दो रचनाएं, भाषा शैली, अलग अलग आपको भाषा और शैली साहित्य में स्थान आपको देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ संदर्भ प्रसंग वाक्य आपको इसका देना है। इसके बाद इसके आत्मा में आया था और इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग एक पद्य से आता है, एक गद्य खंड से आता है, ये दोनों आते हैं। इन्हें आप अच्छी तरीके से कर लें, ये आप इसमें से ढूंढना होता है, आप ट्रित गद्यांश से पढ़कर। ठीक है, इनमें से आप आंसर देख लेना। इसके बाद 27वां क्वेश्चन, अपने क्षेत्र के नगर निगम अधिकारी को एक पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के बारे में आपको सफाई का आग्रह करना है। और इसके अथवा में आया था, अपने मित्र को पत्र लिखी जिसमें अपनी बहन की शादी तो सब परिवार आमंत्रित करने का विवरण है। इसके 28वां क्वेश्चन था, आपको निबंध लिखना था किसी एक विषय पर, शब्द सीमा आपको 250 शब्द सीमा इसमें दी गई है। इंटरनेट की उपयोगिता, पर्यावरण प्रदूषण, अनुशासन जीवन में, जल संरक्षण, स्वच्छ अभियान जीवन में, खेलों का महत्व, तो इन पर आपको सभी पर निबंध लिखना था। इसके बाद आपको उपयुक्त निबंध के किसी किसी जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उपयोग निबंध के विषयों में से जिस विषय पर निबंध लिखा गया हो उसके अतिरिक्त विषयों में किसी एक पर रूपरेखा बनाना है। तो आपने अगर इनमें से इंटरनेट पर लिख दिया निबंध और इनमें से आपको यहाँ पर 6 दिए, इसके अलावा दिए उसमें आपको रूपरेखा लिखना है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई लाइक करना इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, मिलते, धन्यवाद दोस्तों।